सत्या के घर में पूजा की तैयारी हो रही है वट सावित्री की, और सत्या भी हाथ बटाने में पीछे नहीं और अपने आई के बोले सारी बातों को पूरा करने की कोशिश करता है। पर इस बार नारियल पानी और फ्रूट्स तो लाना ही भूल गया सत्या। पर अब अम्बा सत्या से कहती है कि पहले वो सई को श्रृंगार की थाली जाकर दे दे, क्योंकि पूजा अब 2 घंटे में चालू हो जाएगी। और सत्या बड़े ही प्यार से सई के लिए लाया गया साड़ी भी निकालता है अलमारी से और श्रृंगार के सामान के साथ रख देता है। और अब सई निकल कर आती है नहाकर, और जब सत्या उसे बोलता है कि श्रृंगार की थाली आई ने भेजी है उसके लिए, तो सई कुछ बोलती नहीं पर तैयार होने के लिए रेडी होती है। पर जब सत्या जाते जाते वापस आकर सई को साड़ी गिफ्ट करता है कि व्रत के दिन तो पति पत्नी को गिफ्ट देते हैं ना, तो उसने भी सई के लिए ये साड़ी लाया है और वो चाहता है कि सई वो साड़ी पहने। पर सई पति पत्नी सुनते ही टोक देती है सत्या को, पर सत्या फिर से बोलता है कि दुनिया के नजर में तो वो पति पत्नी है ना, और वो चाहता है कि सई वो साड़ी पहने। पर सई पति पत्नी सुनते ही टोक देती है सत्या को कि ये कोई बात नहीं हुई और वो पहले भी बता चुकी है कि ये सिर्फ नाम की शादी है। पर सत्या फिर से बोलता है कि दुनिया के नजर में तो वो पति पत्नी है ना, और फिर बोलता है कि पति पत्नी ना सही, एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट तो दे सकता है ना। तब फाइनली सई गिफ्ट को स्वीकारती है और तैयार होती है। पर तभी वीनू भी पहुंचता है सई को साड़ी गिफ्ट करने के लिए, और उधर सत्या निकलता है माँ के खातिर नारियल पानी और फ्रूट्स लाने। अब विराट वीनू को बोलता है कि वो खुद जाकर सई को वो साड़ी दे दे, पर वो नहीं जाता ये बोलकर कि उसे एक जरूरी अर्जेंट कॉल करनी है। अब वीनू को देख मैडी और बाकी सब बेहद खुश होते हैं और वो वीनू को सई के कमरे में ले जाते हैं जहां सई तैयार हो रही है। और अब वीनू देता है सई को अपने तरफ से गिफ्ट और बोल देता है कि उसने वो साड़ी ऑनलाइन ऑर्डर करी है खास सई के लिए, पर ये सच नहीं बताता कि साड़ी उसकी मम्मी पाखी के लिए थी। और ये आइडिया कि वीनू उस साड़ी को सई को दे दे क्योंकि पाखी नहीं है, ये उससे हरिणी दीदी ने दिया था, ना कि ये साड़ी सई के लिए खरीदी गई थी। पर अब वीनू को लगता है कि अगर सई को ये बात का पता चल गया कि खास करके वो साड़ी सई के लिए नहीं खरीदी गई है, तो वो साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनेगी। और बड़े ही प्यार से बोलता है कि वो चाहता है कि सई वो साड़ी आज पहने क्योंकि आज उसकी व्रत है। और आगे कहता है कि उसकी आई बनने के बाद पहली बार वो सई को एक गिफ्ट दे रहा है। और एक बार फिर सई असमंजस में पड़ जाती है कि जिस सत्या ने इतने प्यार और उम्मीद के साथ उसके लिए साड़ी खरीदी थी और वो पहन भी चुकी है, क्या वो उसे पहने या वीनू का दिया गया गिफ्ट को पहने। और तभी पूछ बैठती है कि आखिर वीनू आया कैसे उसके घर, और जब उसे पता चलता है कि विराट उसे लेकर आया है पर वो बाहर ही है, तो सई को थोड़ी घबराहट होती है। पर तभी वीनू पूछ बैठता है कि क्या वो उसका रूम है जिसमें वो डॉक्टर सत्या के साथ रहती है। और तभी मैडी आती है वीनू के लिए टेस्टी स्नैक्स लेकर, और वो वीनू को जवाब देती है कि सत्या और सई हस्बैंड वाइफ हैं तो साथ में तो रहेंगे ना। और एक मासूम वीनू ये सुन खुश हो जाता है अपनी आई के लिए। आखिर उसे अभी तक ये बात नहीं पता कि सई ही उसकी असली माँ है। पर अब कहीं साड़ी को लेकर हंगामे तो नहीं हो जाएंगे घर पर, और कहीं अम्बा देख तो नहीं लेगी विराट को या वीनू को, क्योंकि अभी तक अम्बा को नहीं पता है कि वीनू उसके घर आया है। और या फिर अगर सत्या देख लिया विराट को बाहर में आते वक्त, तो अब क्या होगा यहीं पर देखते रहिए
गुमे किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर अब सई कौन सा फैसला लेती है, अपना फर्ज निभाती है अपने परिवार के प्रति या फिर प्यार के खातिर हो जाती है एक बार और कुर्बान।